केंद्र सरकार का एक अभी हाल ही में आदेश आया हुआ है, उसमें एनपीएस को ओपीएस में किस प्रकार से चेंज करना है, किस प्रकार से उनके लिए आपको चयन करना है और क्या अंतिम तिथि है, ये सभी डिटेल हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो साथियों, नमस्कार। डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आए हैं जो कि आपको इस लेटर के माध्यम से देंगे, और ये है सूचना ओल्ड पेंशन से संबंधित, जिसकी हमें बेसब्री से इंतज़ार है कब ऐसा हो जाए कि एनपीएस जो है वो चेंज हो करके ओपीएस बन जाए। तो इसी में हम सभी जो कर्मचारीगण हैं जिनको एनपीएस मिल रहा है या कोई भी पेंशन नहीं मिल रहा है, तो वो इसी जुगत में हैं, लगे हुए हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इस लेटर में क्या जारी किया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर इसमें जो विषय है वो क्या रखा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो विषय है केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 के तहत ऐसे केंद्रीय कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों की कवरेज जिनकी नियुक्ति के लिए चयन दिनांक 1/1/2004 यानी कि 1 जनवरी 2004 को जिनका चयन तो हो गया था या फिर उससे पूर्व हो गया था, लेकिन उनको जो नियुक्ति दी गई है वो 1/1/2004 को या उसके बाद दी गई है, तो उन्हें पुरानी पेंशन मिलने के संबंध में आदेश है। इसको हम डिटेल में देखते हैं क्या आदेश में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले लिखा है इस विभाग के दिनांक 17 फरवरी 2020 के सम संख्यक कार्यालय ज्ञापन में क्रम में, जिसके द्वारा ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्हें दिनांक 1/1/2004 से पूर्व होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष दिनांक 31/12/2003 को या उससे पूर्व घोषित परिणामों में भर्ती के लिए सफल घोषित किया गया था और दिनांक 1/1/2004 को या उसके बाद सेवा में कारोबार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किया गया था, उन्हें केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली 1972 के तहत कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया गया है। दूसरा नंबर पॉइंट है, उक्त कार्यालय ज्ञापन में विकल्प के प्रयोग नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा अभ्यावेदन तय करने तथा संबंधित सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस खातों को बंद करने की प्रक्रिया में किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के लिए कट ऑफ की तारीखें निश्चित की गई थी। तो उसके बाद तीसरा पॉइंट है, कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण देशव्यापी लॉकडाउन और उक्त कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित समय सीमा के विस्तार के लिए कुछ मंत्रालयों विभागों से प्राप्त संदर्भों के मद्देनज़र इस विभाग के दिनांक 17 फरवरी 2020 के सम संख्यक कार्यालय ज्ञापन के आंशिक संशोधन में उपर्युक्त कट ऑफ तारीखों को नियमानुसार विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। और इसमें जो निर्धारित किया गया है पेंशन, पुरानी पेंशन योजना के तहत कवरेज के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा विकल्प का प्रयोग, और ये पहले भी जो करवाया गया था 31 मई 2020 और परिशोधित अंतिम जो तिथि थी वो 31 मई 2021 थी। और इसमें दूसरा जो है, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभ्यावेदन पर जांच और निर्णय लेने के पहले जो तारीख थी वो 30 सितंबर 2020 थी, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 30 सितंबर 2021 कर दी गई है। और तीसरा पॉइंट इसमें, उनके विकल्प की स्वीकृति पर सरकारी सेवकों के एनपीएस खातों को बंद करना 1 नवंबर 2020 जो डेट बढ़ा करके अब कर दी गई है 1 नवंबर 2021। तो इस संबंध में ये आदेश है जिनकी पुरानी जिनकी मतलब मुख्य रूप से यदि हम कंक्लूजन इसका देखें तो ये है कि जिनकी नियुक्ति या जो सफल घोषित किए गए थे 1/1/2004 को या उससे पहले, परंतु उन्हें नियुक्ति 1/1/2004 को ही दे दी गई या उसके बाद दी गई, और उनके यदि एनपीएस अकाउंट कट रहा है, एनपीएस अकाउंट चल रहा है, तो उनका पैसा उसको रोक करके ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम में ट्रांसफ़र करने के लिए ये निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लिया गया है। तो हो सकता है कि राज्यों के लिए भी आगे चल के ये लागू किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो सभी को शेयर ज़रूर करें।